कल हमारी GHMC की मीटिंग थी। मीटिंग में जो है सभी अपने अपने ख्याल रख रहे थे, तो फिरोज खान साहब जो है उन्होंने ये, मैं तो उस टाइम पे था नहीं, पर सुनने में ये आ रहा था कि बुरखे जो है रिगिंग करते हैं हमारे सिटी में, MIM की तरफदारी में, और बुरखों का इस्तेमाल करते हैं। वो बता कुछ और बोलना चाह रहे थे, क्या बोले अल्लाह जाने। वो चीज़ जो है हमारे उस्मान भाई और हमारे जितने भी वहाँ हौज भाई वगैरह जितने भी थे सबको बुरी लगी। बुरखे पे नहीं बोलना चाहिए था बोले, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया। मगर मैं आपको बता दूं, हमारे जो है MIM के लोग बड़ी तेज़ी से वायरल कर रहे हैं हमारा कल से। तो जो झगड़ा था वो तो कर रहे, बाद में दोनों आपस में बाजू बैठ के एक ही बॉटल का पानी उस्मान भाई भी पिए, फिर उसमें फिरोज भाई भी पिए, वो तो कोई बता रहा नहीं। और कांग्रेस पार्टी जो है, मैं हमारे MIM के पूरे कारकुनों को बोल रहा हूँ, जानदार पार्टी है, जान वालों की पार्टी है। और जहाँ जान होती ना वहाँ पर बुरी चीज़ को बोलने का अख्तियार है। और कांग्रेस पूरी आज़ादी दी हुई है कि अगर तुमको कुछ गलत लग रहा है तो इन बिटवीन कांग्रेस पार्टी में आप अपनी बात रख सकते हो, बोल सकते हो, भाई तुम गलत बोल रहे हो। मगर मैं MIM के लोगों से पूछ रहा हूँ, जितनी तेज़ी से जो वायरल कर रहे हैं आप, कैसा साफ 16 बॉटल बोल के बोले गलत है, बोल के कोई एक मुर्दा आदमी वहाँ से नहीं बोला। आप कैसा साफ जो है कई ऐसे वादे ऐसे बात कर दिए, बाद में जो है सब दिल्ली में बुरा मान लिया MIM के खायदीन, मगर अरे ये गलत बोल रहे सदर साहब बोल के कोई नहीं बोला। तो वो गुलामों की पार्टियाँ जहाँ गुलामी करना पसंद करते हैं, ये जो है जानदारों की पार्टी है, आज़ादों की पार्टी है। और कुछ चीज़ गलत होती है तो गलत है बोलने का भी अपना एक अंदाज है पार्टी में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोच ले रहे कि ये लोग आपस में लड़ ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कल के दिन चांद मीनार पे अगर से पद यात्रा होता है तो हौस भाई, उस्मान भाई, सुहेल भाई, फिरोज भाई सभी रहने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़े मज़े से जो वायरल कर रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इतना अगर से आपको कांग्रेस का खौफ है या कांग्रेस का चीज़ों से मज़ा आ रहा तो हम और भी सारे वीडियो देंगे आपको, आप वायरल करते रहो। कांग्रेस जो है जब आएंगी वर्ल्ड सीट पर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपस में कुछ भी ऐसा नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे मीटिंग के ताल्लुक से, तो ये पहली बार कांग्रेस में नहीं हो रहा, कांग्रेस में हमेशा ऐसा होता है, मगर जब बाद में निकलते हैं तो सब एक साथ मिलकर निकलते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है इस पे जो है इतना खुश मत हो जाए कि कांग्रेस में फूट हो गई, लीडरों में फूट हो गई, MIM में फूट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ है। इंशाल्लाह अनकरीब आपको उसके नतीजे भी आपके सामने आएंगे।